विधानसभा में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले? बीजेपी। बीजेपी को क्यों, क्या कारण है बीजेपी? बीजेपी में भाई सारा सब कुछ ठीक काम ला रहे हो। विधानसभा में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले? देखो ये तो टाइम पे देखते हैं कैसा विधायक है, कौन है सामने उसी को देखे जाएगा। चेहरा देख के वोट करने? चेहरा देख के भी वोट देनी पड़ती है कहीं तो। विधानसभा में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों, क्या कारण है बीजेपी? लोगों की ताकतवर पार्टी है, आज देश के अंदर इससे ऊपर कोई पार्टी है नहीं। विधानसभा में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों, क्यों करिए आपने अपने दिक्कत कर रखे हैं। हाँ, सफीद समाज सेवी भी चुनाव मैदान में, जो बढ़िया एमएलए का इलेक्शन लड़ेगा नहीं उसको हम वोट देंगे। सारे वोट मोदी को होने चाहिए, ऊपर तरह तक सरकार मोदी की होनी चाहिए। ऐसा बड़ा नेता कोई नहीं आने का भारत के अंदर। और मोदी ना जीता देश मरता, मोदी बचाओगे सब न बचाओगे सब भाइयों को बचाओगेगा। आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। और अभी हम मौजूद हैं गांव खेड़ा खेमावती में। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव जल्द ही आने वाले हैं और सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग चुकी हैं। और अभी हम आपको लेके चलते हैं गांव की ओर, वहां पर जानेंगे कि गांव खेड़ा खेमावती के लोग कौन सी पार्टी को पसंद करेंगे और किसे वो सपोर्ट करने वाले हैं विधानसभा चुनाव में। चलिए मेरे साथ। नमस्कार, आपका नाम? रामफड़। रामफड़ जी, विधानसभा में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले? बीजेपी। बीजेपी को क्यों, क्या कारण है बीजेपी? बीजेपी में भाई सारा सब कुछ ठीक काम लग रहा उन्हें, सबसे बढ़िया तो सिलेंडर का लग गया। गली गली शहर में धक्के का आगे लाइन में लग गया, इस घर के बारे में आगे दे के जावा। क्या कांग्रेस की राज में ऐसा नहीं? ना, कांग्रेस के राज में तो बात करते हैं सफीदों की। हाँ, सफीदों से बीजेपी के कौन से चेहरे को आप देखना पसंद करोगे? चेहरे जो आओगे बीजेपी में उसके खुश है भाई, उसमें पार्टी का होना चाहिए बीजेपी तय, चाहे कोई भी आओ। बहुत से समाज सेवी भी चुनाव मैदान की तैयारियों में लग चुके हैं। हाँ भाई, ठीक है, लग गए रहेंगे हम भी, लग गए। समाज सेवियों को अब की बार मौका मिलेगा? हम मिलेगा क्यों नहीं, तो जो पार्टी का आदमी है उसने वोट देंगे हम तो भाई सीधी। आप किसे वोट करने वाले हैं? बीजेपी से। बीजेपी को? हाँ जी। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस ने तो भाई बिजली का कोई प्रूफ नहीं था बढ़िया, ना कोई गली थी ना कोई सिलेंडर का। क्यों नहीं मौका देना चाहते आप? भाई बीजेपी का ये राज्य चल रहा है, वो बीजेपी को बनाएंगे। बीजेपी को? हाँ जी। शमशेर। शमशेर जी, हाँ, विधानसभा में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले? देखो ये तो टाइम पे देखते हैं कैसा विधायक है, कौन है सामने उसी को देखे जाएगा। क्या चेहरा देख के वोट करने? चेहरा देख के भी वोट देनी पड़ती है कई दफे जी, तो आप अब की बार चेहरा देख के वोट डालें? चेहरा देख के वोट डालें। बात करते हैं बीजेपी की, ऐसा नहीं है बीजेपी की? बीजेपी से अगर कोई संसद बीजेपी का बढ़िया तो उसको भी वोट देंगे जी, अगर दूसरी पार्टी का है तो उसको भी वोट देंगे जी, आदमी को देख के वोट देंगे। समाज सेवी, जैसे बात करता हूँ राजवीर शर्मा लुधियाना। देखो जी ऐसा है, देखने के बाद ही पता लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं कह सकते। पहले कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले? भाई देखो, पार्टियां तो सदियों से आ रही और जा रही हैं, स्थाई तो कोई है नहीं जी। जितना किसी के वश में होता है काम करता है आदमी, ठीक है। कुछ लोग चाह के काम करना चाहते हैं, अब लोग कहते हैं कांग्रेस अच्छी नहीं थी, काम तो कांग्रेस ने भी अच्छे किए हैं काफ़ी, लेकिन एक दो बात ऐसी हो जाती है कि चलो भाई एक आधा काम ऐसा हो गया जो लोगों के समझ में नहीं आया। अब सारे काम दूसरे भी अच्छे नहीं करे और सारे बीजेपी अच्छे नहीं कर रही, प्रमाण सबके सामने है, लेकिन सपोर्ट किसको करेंगे वो जो चेहरा सामने आएगा वो योग्य है या नहीं है उसके हिसाब से होगा। अभी बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा कौशिक जी, उससे कौन संतुष्ट है? कोई भी नहीं। लोगों ने क्या कहा कि हम जो कौशिक को वोट नहीं दे रहे भाई, हम तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने गलत आदमी को चुना, लोग फिर भी उसके साथ हैं, हमारे को ये बात भी गलत लगी। तो आप विधानसभा में कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखो जी, मैं आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हूँ और सोनीपत लोकसभा का किसान सेल अध्यक्ष हूँ। अरविंद केजरीवाल जी को गठबंधन के लिए मजबूर होना? मजबूर नहीं सर, ये वो चाह रहे थे कि भाई मेरे को अगर मैं किसी आदमी का साथ चुनता हूँ तो ऐसा आदमी मिले जो मेरा साथ दे के ये जो 70 साल से पार्टियाँ लोगों को लूट कर खा रही हैं इनको सत्ता से हटाए और हम आगे बच्चों का सुधार कर सकें शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ तो बच्चे पढ़ते नहीं, क्या मिलता है उनको? खिचड़ी और पैसे नहीं मिलते टाइम पे, बुक्स दे दी, दो दे दी, चार रहेगी उनकी,
वर्दी में किसी को जो है 36 नंबर की दे दी आनी, 32 नंबर की, किसी को 40 दे दी आनी, 24 नंबर की थी। माँ बाप सोचते हैं फ्री मिल गया भी, लेकिन फ्री में बच्चे पढ़ते तो नहीं। इसकी बजाय अगर उसके बच्चों को कुछ और फैसिलिटी बढ़िया दी जाए, कंप्यूटर शिक्षा दी जाए, प्लस करी जाए, या खेल का कुछ ऐसा प्रोग्राम बना जाए स्कूलों में, तो बच्चों का तो फ्यूचर उससे सिक्योर होगा। खिचड़ी थोड़ा था, खिचड़ी तो हम घर में खाते हैं, हमारे माँ बाप जैसे भी हैं अपना साधन जुटाते हैं, मजदूरी करो कुछ भी करो, हमारे को बना के देते हैं शाम को, भूखा तो हमारे सोने देते। तो आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ जी, खूब। इसी बीच हमारे साथ एक भाई और मौजूद हैं, आपका नाम? राजेश कुमार। आप किसे सपोर्ट करने वाले? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? क्योंकि अच्छा काम करती है ये। अब लग क्या और पार्टी अच्छा काम नहीं, कभी कोई पार्टी आई नहीं इधर, कांग्रेस पार्टी आई थी थोड़ा हा काम करेगी, वैसे भाज गई है। तो आप बीजेपी को सपोर्ट? हाँ, सपोर्ट करते। सफीदों से बीजेपी का कौन सा चेहरा देखना पसंद करते? देखो भी कौन चेहरा है नया निकल के, उसको ही वोट देंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। आपका नाम? शुभ नाम महासिंह पांचाल। महासिंह जी, हाँ जी, विधानसभा में हाँ। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले? बीजेपी को। बीजेपी को हाँ। क्यों, क्या कारण है बीजेपी? क्योंकि ताकतवर पार्टी है, आज देश के अंदर इससे ऊपर कोई पार्टी है नहीं, और मोदी है तो बहुत बढ़िया है, यू खट्टर है, यू बहुत बढ़िया है। सफीदों से अगर बीजेपी की बात करें हाँ, तो सफीदों से आप किस चेहरे को देखना पसंद करोगे? जो भी आएगा बीजेपी का उसे को देखना पसंद करेंगे, कोई भी आओ बीजेपी का, बीजेपी का हाँ, उसी को बनावेंगे। समाज सेवी भी चुनाव मैदान में उतरे हुए, 60% आ गए समाज सेवी, तो इसमें भी थे सांसद में भी, किरा कहे थे समाज सेवी आए मार तो रहे। आपका नाम? रामेश्वर। रामेश्वर जी जी, विधानसभा में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट? पार्टी तो है मोदी वाली है, और मोदी वाली हाँ, और कोई सी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना भाई? सपोर्ट वाली बातें को नहीं। ऐसे क्या कारण है मोदी जी को सपोर्ट करने के? भाई सारे कारण तो ये है भाई, सारे संसार को यही अच्छा लगा है, संसार को यही अच्छा हाँ, लगता है हाँ, इसीलिए सपोर्ट करने वाले हाँ जी। और पार्टी को क्यों नहीं सपोर्ट करते भाई? और पार्टी रही है नहीं भाई, और भी काफी उम्मीदवार हैं समाज सेवी जो चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो आप किसे सपोर्ट करने वाले? सपोर्ट जो इसके मैन खड़े होगा तो मोदी के उसे के देंगे, बीजेपी को ही सपोर्ट करने वाले हाँ। आप किसे सपोर्ट? हाँ जी, बस यही बात है, मोदी खट्टर के से, मोदी का बस, खट्टर को नहीं, नहीं मोदी का, मतलब मोदी खट्टर बात तय की होगी। आप किसे करने वाले हैं? कह दिया जो मंजूर होगा। नमस्कार अंकल जी। आपका नाम? मूलचंद नाम है मेरा। क्या नाम? मूलचंद। मूलचंद जी हाँ, विधानसभा में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? बीजेपी को कर रही है। बीजेपी को हाँ। क्यों, क्यों कर रही है? हमने अपने धक्के कर रखे हैं हाँ। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? रामचंद्र। रामचंद्र जी हाँ, अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं। अच्छा जी, तो आप विधानसभा में कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? हम तो जी मोदी की पार्टी के आदमी। मोदी को हाँ। वो अन्य पार्टियों को क्यों नहीं करते सपोर्ट? बस हमारी, हमने भरत के देख लीजिए। भरत के हाँ, इतनी उम्र आ ली जी, तो कोई सुधार नहीं करया, जवाहर लाल मरे पीछे आपदापी लाएगी, कोई सुधार नहीं करया। इस प्रकार की आपदापी तो आपस में पब्लिक का तो कोई ध्यान नहीं करया, उन्हें कोई ही पार्टी आई, कांग्रेस आई, कोई ही आई, कांग्रेस ही आंदी रही। तो चेहरे को देखकर आप वोट करने वाले नहीं हो हैं? व्यक्ति के चेहरे को देखकर वोट करने वाले नहीं हो क्या? उम्मीदवार को हिसाब से देखा है? हमने तो कर रहा कि ठीक है नहीं, हम तो मोदी की सरकार के। आपका हाँ जी, मेरा नाम जी राजवीर कसब है जी। राजवीर जी हाँ जी, आप किसे सपोर्ट करने वाले? देखो जी, ऐसा है, सपोर्ट तो जो भी पार्टी आएगी हम उसको देखेंगे, अभी हम जो है विचार रखेंगे हमें किस पार्टी को वोट देनी है। किस हाँ, प्रकार का विचार रखोगे? हम ये विचार रखेंगे भाई, जैसे भी किसी भी आदमी को कोई भी टिकट मिली, अच्छे आदमियों को मिली, जो भी हमारे स्पीडों लगेगा सुधार कर सके, क्योंकि जितने भी विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं भाई, सरकार तो ऊपर किसी की है, लेकिन यहाँ से हमारा विधायक बन गया है, वैसे निर्दलीय बन गया है भाई, सरकार कांग्रेस की है और हमारा वो विधायक है। अब की बार क्या करने वाले हो? अब की बार हम विचार रखेंगे, मैं कसब सभा में, ये जो हमारी कसब धर्मशाला है, मैं इसका प्रधान हूँ, मैं अपने समाज को बिठाऊँगा और उसमें अपने समाज को ये पूछूँगा भाई, आप किस पार्टी को
किस पार्टी को समर्थन देंगे। भाई जैसे कोई भी भाई कांग्रेस का विधायक आ गया, अच्छा आदमी है, समाज के साथ बैठकर आप विचार करना। हाँ, विचार करना। क्या नाम अंकल जी आपका? मेरा नाम है धन सिंह जी। धन सिंह जी, हाँ जी, आप किसे सपोर्ट करने वाले? हाँ, मैं सपोर्ट करेंगे जी मोदी की पार्टी, तो चाहे किसे की भी टिकट क्या हो। मारे जी ने बहुत फायदा कर दिया। क्या फायदा कर दिया? मारी मजदूरी बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? मारी 325 होगी जी। पहले हाँ, कितनी थी? पहली तो 280 थी। तो कांग्रेस के राज में नहीं मजदूरी? नहीं थी, वो नहीं थी जी। तो आप मोदी को सपोर्ट करने वाले? हाँ जी, कोई सा भी विधायक आ जाओ, हम उसे की वोट देंगे मोदी की पार्टी तक। क्या नाम आपका? राजेंद्र जी। राजेंद्र, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट? मोदी को। मोदी को क्यों? क्योंकि उसने सारी चीज बहुत अच्छी करी है, हर काम में, हर कोई किसी की भी समस्या, तो हर समस्या में मतलब सहयोग दिया उसको। तो उसने वो बता, हर मजदूर की मजदूरी बताई है, काम धंधे दिए हैं, लेकिन और किसी पार्टी ने कुछ भी नहीं दिया उस सुबह लेने से। तो वो बता, सबको है ना अपनी अपनी लगी हुई है, और किसी को नहीं मतलब दिया। तो उसके उसमें हम मोदी को ही वोट देंगे, हम किसी तरह धंधे। क्या नाम अंकल जी आपका? बोलू राम जी। बोलू राम जी, विधानसभा चुनाव में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? मोदी को। मोदी को क्यों? कांग्रेस को क्यों नहीं? आपको क्यों नहीं? ना जी नहीं, ओनली मोदी को सपोर्ट करोगे? मोदी को। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुदेश है। विधानसभा चुनाव में अभी एमएलए के इलेक्शन होने हैं, तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? आप, क्या नाम आपका? बेदवा जी। बेदवा जी, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? मोदी को। मोदी को क्यों जी? वो काम अच्छे कर रहा। काम कांग्रेस ने काम अच्छे नहीं किए ना, कदे नहीं करया। तो मोदी को ही सपोर्ट करोगे? हाँ। हमारे साथ थे यहाँ पर एक माता जी और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव में किसे वो कौन सी पार्टी को पसंद करेंगे? मोदी ने जी करेंगे, उन्हें करेंगे जो उनसे करने लायक रहे जी। अब किसको सपोर्ट कर रहे हो आप? उसको कर रहे। किसको? मोदी के। कांग्रेस को? ना, मोदी की। मोदी की। हाँ। तो माता जी का भी साफ कहना है कि वो मोदी जी को सपोर्ट करेंगी। क्या नाम आपका जी? मेरा नाम नरेश। विधानसभा चुनाव में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? भाई ऐसा है, देखो विधानसभा का तो जो ऊपर सेंटर में तो लोकसभा में बीजेपी की है, तो फायदा तो उसी को देने का है, ठीक है ना। जब सेंटर में कुछ सेंटर से पास होकर आएगा तभी आगे मिलेगा, जिसको भी मिलेगा, सभी को, गरीब को, किसान को, मजदूर को। तो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, बीजेपी को कर रहे हैं। अन्य पार्टी को क्यों नहीं? नहीं, अन्य पार्टी को नहीं। अन्य पार्टी का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, क्योंकि अन्य पार्टी को कोई सुनाई नहीं होगी। सफेदों से बीजेपी का कौन सा चेहरा पसंद करोगे आप? सफेदों से तो जो भी आएगा उसको देखेंगे, चाहे कोई भी हो उसको ही सपोर्ट करेंगे। दावा तो सभी कर रहे हैं कि हाँ, दावा सभी कर रहे हैं, लेकिन वो तो टाइम बताएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। विधानसभा में कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले? बीजेपी को सपोर्ट करने। बीजेपी को क्यों? बीजेपी ने सेंटर में अच्छे काम किए हैं, सरकारी जॉबों में भी, हरियाणा सरकार में बेरोजगारी को कम किया है, जो टेस्ट क्लियर करता है उन्हीं को नौकरी दी है, ना कि स्पार्स वालों को नौकरी बीजेपी ने। तो इसी कारण से आप बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को। बीजेपी ने बहुत ही ईमानदारी से काम किया। बात सफेदों की करते हैं, सफेदों से बीजेपी का कौन सा चेहरा आप देखना पसंद करोगे? बच्चन सिंघारिया को। बच्चन सिंघारिया, हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर नेता है, सभी कामों को उन्होंने बताया बहुत ही। क्या विधायक जसवीर देसवाल? नहीं नहीं, एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है। एक्सपीरियंस होल्डर तो है, लेकिन उन्होंने 5 साल राज किया, लेकिन उस राज में कोई मजा नहीं आया जो कि बच्चन सिंघारिया ने पहले किया था, और अब की बार पार्टी के साथ भी दावा है कि बच्चन सिंघारिया कोई टिकट मिले। तो आप बीजेपी को सपोर्ट करोगे? हाँ, बीजेपी को सपोर्ट। मैं पति, आप विधानसभा में कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले? मन नहीं आंदी है बेटा, मैं तो बीजेपी की है, देर की बीजेपी का ही सामान। तो बीजेपी को ही? हाँ। अन्य पार्टियों को क्यों नहीं पसंद करते? उन्हें कुछ कराया ही नहीं है। हमारे साथ ही यहाँ पर एक और माता जी मौजूद है। क्या नाम है? क्या नाम आपका? नाम तो ओमपति है मेरा। ओमपति जी, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? जो काम समारे कुछ नहीं करेंगे। क्या और पार्टियों ने काम नहीं समारे? न मारे तो कुछ समारे नहीं, बीजेपी ने ही समारे। तो बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं?
क्या कह रहे हैं? सारे वोट मोदी के होने चाहिए, ऊपर तले तक सरकार मोदी की होनी चाहिए। ऐसा वर्ग का नेता कोई नहीं आने का भारत के अंदर, इस वर्ग का नेता कोई नहीं आने का मोदी वर्ग। और मोदी ना जीता देश मरदा, मोदी बचाओ सब न बचाओ सब भाइयों को बचाओगा। क्या नाम है जी आपका? महावीर जी। महावीर जी कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? बीजेपी। बीजेपी क्यों? काम अच्छे हैं इसके। क्या और पार्टी के काम अच्छे नहीं है? देख लिए उनके। सफेदों की बात करते हैं तो सफेदों में किस नेता को आप पसंद करते हो? बस वैसे देखा जाए तो हम तो देश वालों को पसंद करते हैं, लेकिन बीजेपी को बीजेपी को वोट करोगे? क्या नाम है जी आपका? शीला जी। कौन सी पार्टी को आप पसंद करते हो? बीजेपी को जी। क्यों? कार्यकर्ता हम बीजेपी के। हम जो गरीब की जो मदद करे अभी उसके लिए हम बीजेपी ने चाहते। गरीबों की मदद नहीं की? नहीं जी, मकान भी पास नहीं हुए, कोई गरीब का लड़का नहीं लगा जी, पढ़ाई कर ली तो फिर पैसा भी ना रह गया जी, तो ये पैसा नहीं लगता। गरीब का लड़का पढ़ाई करता है तो नौकरी तो मिल जाए गरीब के लड़के ने, इसलिए बीजेपी की सरकार पसंद करते हैं। एक दो काम बताओ मेरे को बीजेपी ने जो अच्छे काम किए। अच्छे करे काम जो बीजेपी ने, घर में सिलेंडर चूल्हे। सिलेंडर कांग्रेस के राज में नहीं मिलता था? नहीं मिला था गरीब को। तो गरीब को बच्चे लग गए नौकरी बिना पीछे, तो किसी के मकान भी पास हो गए हैं जो गरीब के। क्या मकान कांग्रेस के राज में नहीं पास हो? नहीं, गरीब के नहीं, तकड़िया तकड़िया के बीपीएल के कार्ड बने, तकड़िया के मकान पास हो हैं। इबी तकड़िया के बीपीएल के कार्ड, गरीब के इबी नहीं बीपीएल के कार्ड अभी भी नहीं है। नहीं है जिसका डाबड़ी नहीं है कुछ भी। साल तो बीजेपी का राज रहा है तब भी ईब बने हैं, ईब बने हैं, फिर जो कांग्रेस के राज में तो नहीं बने, कांग्रेस के राज में नहीं बने बीपीएल के कार्ड। सफेदों की बात करते हैं, सफेदों से समाज सेवी भी चुनाव मैदान में, जो बढ़िया एमएलए का इलेक्शन लड़ेगा नहीं उसको हम वोट देवांगे बीजेपी की, जो बीजेपी की तरफ से आएगा आएगा। आपका क्या नाम है जी? मेरा सुनीता है जी। सुनीता जी हाँ, आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? हम जी बीजेपी को करते हैं, हम उसके कार्यकर्ता हैं, उसी के वोट देवेंगे। उसने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करया, जो हमारे आधा किला है उसमें हमारी मदद भी करिया किसान की, और हमारे बालका की भी थोड़ी घनी मदद करी है। आगे पढ़ेंगे लिखेंगे, हमने नौकरी का भी सुविधा मिलेगा, और हम बीजेपी के कार्यकर्ता रहेंगे, बढ़िया रहेंगे जीव तक। बीजेपी को सपोर्ट? हाँ, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। किस नेता को आप देख? हम बढ़िया जो नेता टिकट मिलेगी, जो बढ़िया काम करेगा हम उसे मान में। समाज से भी चुनाव मैदान में उतरे हैं, बात करते हैं राजवीर शर्मा लुधियाना, सत्यवान सैनी है। हाँ जी, काफी समय से हम सोच समझ के ही गली लागेंगे, सोच समझ के ही बीजेपी में। बीजेपी के कैंडिडेट को ही वोट करोगे? हाँ 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 जी। क्या नाम? मिंद्रो। मिंद्रो जी हाँ, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बीजेपी की। क्यों? और बीजेपी की नु है, बीजेपी ने सुतरे काम करे थे हैं, और उसकी पार्टी हमने वोट दे दी थी। अरे बागा मारे काम ना कोई भी प्यालमा कार्ड है ना, हमारा बच्चा नौकरी है बना तो हमने दिया हैं, और हमारे काम होने चाहिए। गरीबा के मकान नहीं ढूंढ देख ले पड़न नो रहा हैं, बीपीएल में कार्ड नहीं। आपका बीपीएल में कार्ड नहीं जी, तो बीजेपी को वोट नहीं करने वाले न? करेंगे, कर भी दे भी दे, राग भी बनावेंगे, बनाया यू है अभी बीजेपाल, बीजेपी बनाया हाँ हाँ। जैसा कि आप लोगों ने गांव खेड़ा खेमावती का सर्वे तो देख ही लिया है, लोगों की क्या है पसंद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें, और आप हमें अपनी राय जरूर दें। कैमरा सहयोगी धर्मवीर के साथ पंकज शर्मा, कंचन टीवी सफीदो। आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज़।